अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि द्रास के ऊपर जो ये गूगल ड्राइव की अनलिमिटेड स्पेस आ रही होती है, ये कैसे जो है ये लोग करते हैं। तो उसके लिए आप मैंने यहाँ पे द्रास पे जो है वो एड्स सर्च किए हैं आप लोगों के लिए। अब ये कोई साहब हैं जी, ये गूगल ड्राइव अनलिमिटेड स्टोरेज लाइफ टाइम ऑन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ये 14 रुपये में 1400 रुपये में जी सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 23 लोगों ने इनको रेट किया हुआ है, हर बंदा रेटिंग नहीं देता, ठीक है। तो रेटिंग में भी कुछ लोगों ने उसको सेटिस्फैक्ट्री कहा हुआ है, कुछ लोगों ने ये देखें जैसे वर्स्ट एक्सपीरियंस डॉट बाय ये भी कहा हुआ है। तो इसकी ना हम डिटेल्स देखेंगे, क्वेश्चंस भी लोगों ने पूछे हुए हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और सारा मामला। अब एक बात जहन में रखें कि जो गूगल वाले स्पेस देते हैं वो तकरीबन तकरीबन जो है ना, अगर आप उनके रेट्स देखेंगे तो वो अच्छे खासे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को गूगल ड्राइव का ही आइडिया नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि जब आप जीमेल का आईडी क्रिएट करते हैं, चले साथ साथ लिखते रहते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए कि क्या बात हो रही है। हाँ जी, तो जो लोग जीमेल का आईडी बनाते हैं तो उनको स्पेस मिल जो गूगल फ्री स्पेस असाइन करता है वो है 15 GB। ये तो आप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आप 15 GB स्पेस जो है गूगल आपको असाइन करता है। अब 15 GB स्पेस जो है ये आपकी लाइफ टाइम है, इसके ऊपर आप जो भी डाटा रखेंगे वो आपका सेव रहेगा और आप उसको अपने जी मेल के आईडी के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब अगर जो आपकी जी मेल के ऊपर ईमेल्स आती हैं उनके अंदर भी समटाइम कोई अटैचमेंट्स होती हैं तो वो भी आपकी इसी डाटे में से कंज्यूम होता है। यानी आपको किसी ने अगर 25 MB की कोई फाइल भेजी है तो वो आपका डाटा, यानी फाइल भेजी है उसके थ्रू जी मेल के थ्रू, तो वो आपका डाटा इसमें से रिड्यूस होगा 25 MB, ठीक है। तो गूगल अपनी सारी जो सर्विसेज हैं जो आपको देता है वो उसमें का डाटा कंज्यूम होता है, कहाँ से, आपके इस 15 GB में से कंज्यूम हो रहा होता है। अच्छा जी, अब अगर आपका जब ये डाटा पूरा होने वाला होता है तो उसका एक तो लोग जो नॉर्मल एक तरीका बनाते हैं वो ये है कि एक से ज़्यादा ईमेल्स बना लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब इससे। अब ये जो लोग जो आपको दे रहे हैं जी डाटा, आप देखते हैं जी ये साहब हैं कोई, ये 5000 में अनलिमिटेड ड्राइव दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये मैं देख रहा था जी 1000 रुपये में है, और ये देख रहा था मैं कि ये भी 1000 रुपये में। हाँ जी, और ये सर्विसेज हैं जो मतलब है गूगल पे जो सबसे सस्ती सर्विस बंदा दे रहा है वो 750 रुपये में सेल कर रहा है। अब कुछ लोगों को ये चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी कि गूगल के क्या रेट्स हैं, तो आप इनमें सर्च कर सकते हैं गूगल टीम ड्राइव, टीम ड्राइव, और इसको आप प्राइसिंग जो है ना इसकी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जी जो ये गूगल जी सूट के नाम से आता है, जी ये ड्राइव है और द्रास के ऊपर जो ये इसका ट्रायल है जी, एक ट्रायल पीरियड के बाद जो है ये आपको चार्ज करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इनकी प्राइसिंग देखी है,
इनकी प्राइसिंग का तकरीबन जो है ना, ये आ रहा है हमारे पास $6 बेसिक पर मंथ का है ये, जिसमें आपको 30 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है, ठीक है जी, और अनलिमिटेड ड्राइव, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज $12 पर मंथ पे आपको मिलती है, ठीक है। तीसरा जी आपके पास है एंटरप्राइज वाला, जिसमें आपको अनलिमिटेड ड्राइव जो है वो मिल रही है $25 पर मंथ में। आगे इसमें आप देखें, इसमें आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स वाली भी ऑप्शंस आ रही हैं, ये सारी, ये यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है आपके प्रोडक्ट की, कि आपको प्रोडक्ट के साथ क्या मिलता है। यही जो ड्राइव है, इसमें क्या हो रहा है जी कि आपको यहाँ पर गूगल में ये सॉरी द्रास पे आपको लोग दे रहे हैं 750,000, और ये अनलिमिटेड लाइफ टाइम है, यानी आपने एक दफा पैसे खर्च करने हैं और आपको उसके बाद फ्री में पूरी जिंदगी के लिए ये मिल जाएगी जी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने अपना ये गूगल ड्राइव ओपन किया है, ये माई ड्राइव आ रही है और ये शेयर ड्राइव आ रही है। शेयर ड्राइव में मेरे पास 1, 2, 3, 4, ये चार ड्राइव्स आ रही हैं, ये चारों अनलिमिटेड ड्राइव्स हैं, ठीक है जी। तो आपकी ये जो बाकी ड्राइव है ये अलग होती है, जिसमें आपका डाटा आ रहा है, यानी 15 GB जो आपको फ्री मिला है, और जब आप किसी से खरीदते हैं तो वो आपको शेयर ड्राइव दे देता है जिसमें अनलिमिटेड जो है डाटा होता है। ये जी मेरी ड्राइव की इंटरनल पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि इसमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो चार ड्राइव्स बनाने का मकसद ये है कि एक ड्राइव का डाटा दूसरी ड्राइव पे बैकअप के तौर पे भी रखा जा सके, ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं इस हवाले से कि ये लोग कैसे ये बनाते हैं ईमेल, कैसे इस चीज़ की एक्सेस हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये इसमें आ जाएं आप, कि इसको कहते हैं जी हम, जो इसको कहते हैं हम गूगल टीम ड्राइव, ठीक है जी। अब गूगल टीम ड्राइव का जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप गूगल टीम ड्राइव का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपको एक शेयर ड्राइव दे देते हैं, और उसमें आप जितने मर्जी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल गूगल टीम ड्राइव का ही है, सही है। अब गूगल टीम ड्राइव का की जो मेंबर साइट्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए जो डाटा चाहिए होता है उनको, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टीम ड्राइव को बाय करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए जो गूगल वाले हैं वो टीम ड्राइव फ्री में दे देते हैं, ठीक है जी। टीम ड्राइव के उनको मेंबरशिप फ्री में दे देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो ईमेल है वो उसका वो ऐसा बना होना चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट का नाम है @universityedu.pk, जो भी यानी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोई स्कूल है चाहे वो कोई कॉलेज है। अब आ जाए कि जो है लोग करते क्या है, यहाँ पे जो हम देखते हैं यहाँ, हाँ जी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब ये इन्होंने क्या करना है कि एक edu.pk वाला, edu की वेबसाइट इन्होंने कोई खरीदी होगी जिसके थ्रू जो है ना ये बना के दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया है कि जो जिसको जो है ना हम लिंक अप करके ना, और सारा आपका ना वो आपको गूगल ड्राइव बना के दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी हमें इजाज़त नहीं है YouTube की वीडियोस के हवाले से, तो जिसको अनलिमिटेड स्पेस चाहिए हो तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एक WhatsApp का ग्रुप है वो उसका लिंक दे दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से तो आप उस ग्रुप के वो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, और आप उसमें एक रिक्वेस्ट डाल दें कि जी आपको जो है ना ईमेल ये चाहिए, गूगल ड्राइव चाहिए, तो उसमें आपने हमें अपना जीमेल का आईडी प्रोवाइड करना है, और कुछ थोड़े से स्पेसिफिक से चार्जेस हैं उसके ना, क्योंकि जारी बात है वो काम करके देना है आपको, और उसमें तो उसका जो है ना आपको वो थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे, वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से ही होंगे, ठीक है ना। तो जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं
तो वो इस डिस्क्रिप्शन के साथ हमें ज्वाइन कर लें। शुक्रिया जी।